अलीगढ़ संगीत किशोरों ने कॉलोनी के मकानों में मेन गेट पर लगा रखा था थूक, सीसीटीवी में कैद, जनता में हुआ भय उत्पन्न। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की मिलन विहार कॉलोनी में संगीत किशोरों पर कि कॉलोनी के लोगों ने लगाए मकानों में मेन गेट पर थूक लगाने का आरोप। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शुरू कराया सैनिटाइजर का काम। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके में मिलन विहार कॉलोनी में दोपहर में 3 संगीत किशोरों द्वारा मकानों में मेन गेट पर थूक लगाने के आरोप कॉलोनी के लोगों ने लगाए। एक किशोर की गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें वो मकान के गेट मेन पर थूक लगाते हुए रिकॉर्ड हुआ है, साथ ही अपने साथ अन्य युवकों को इशारे द्वारा समझाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वाक्य की पूरी जानकारी होने पर मोहल्ले वालों ने शक होने पर युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो वो सभी फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो नगर निगम की टीम बुलाकर इलाके को सैनिटाइज कराने का काम शुरू करा दिया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह का कृत्य जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे जनता में भय का उत्पन्न हो सके। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रशांत पाशने है। कौन सी जगह है? मिलन विहार कॉलोनी, जेल रोड, अलीगढ़। थाना बन्ना देवी। अच्छा, किस तरह का वाक्य इस कॉलोनी में आज घटा है? कौन लोग थे जो थूक लगा रहे थे और कैसे आपने इस घटना को देखा? जी सर, हमने ये देखा अपने घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हुए हैं, उन्होंने उसमें देखा हमने कि एक बच्चा आया है और मास्क पहने हुआ है और आता है यहाँ खड़ा होता है और थूक निकाल कर गेट पर ऐसे ऐसे घिसता है और फिर दूसरे बच्चों को ऐसे करके इशारे करता है कि ऐसे ऐसे लगा, फिर चला जाता है। कितने बच्चे थे करीब? तीन चार थे। मतलब क्या उम्र रही होगी? उनकी उम्र होगी 15-16 साल। तो आपको कैसे पता चला, कैसे देखा था आपने? ये मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में साफ दर्शाया गया है, इसमें मैंने देखा है। तो इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी? जी, मैंने दी थी। फिर उन्होंने इस बात की कार्रवाई करनी स्टार्ट कर भी दी है और मैं बस ये चाहता हूँ कि गलियों में सैनिटाइजर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करी जाए और बैरिकेड वगैरह की सुविधा स्टार्ट करें बस। तो किस तरह का खौफ है आपने देखा यहाँ पर जिस तरीके से? यही है कि जो उस समय कोरोना वायरस चल रहा है और ये जो इस तरीके का कर रहे हैं, ये फैलाने की साजिश क्यों करी जा रही है ये चीज़। तो आपने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की थी? जी, आगे एक अंकल हैं, उन्होंने उनको देखा भी था, उन्होंने उनको पत्थर भी मारा था, लेकिन वो भाग गए, पकड़ नहीं पाए उनको।